हैप्पी ईस्टर। ये चीटिंग करने वाली थी और चीटिंग करके जीतने वाली थी मुझसे, और ये ना अभी ने भांडा फोड़ दिया। हैप्पी ईस्टर। ईस्टर। ये लो ये आपके लिए। थैंक यू। ये आपके लिए। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम सब भी ठीक है, खुदा का शुक्र है। सो गाइस, इस वक्त रात के 1:15 बज रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं चर्च, क्योंकि कल है संडे ईस्टर, तो ईस्टर सर्विस के लिए हम लोग चर्च जा रहे हैं। वैसे तो हमें 12 बजे वाली इबादत में जाना था, लेकिन अभी हम जा रहे हैं 3 बजे वाली इबादत में, सनराइज सर्विस पे। तो उसके लिए अभी से ही तैयार होना पड़ेगा ताकि हम टाइम पे चर्च पहुंच जाए। तो केल्विन तो अभी सो रहा है, एक्चुअली केल्विन की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उन्होंने कहा कि 12 बजे वाली इबादत में नहीं चलते, सुबह 3 बजे वाली इबादत में चलते हैं। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, सनराइज सर्विस पे चलेंगे। हम लोग जा रहे हैं क्राइस्ट चर्च डिग रोड, और वहाँ पे टैबलोज वगैरह होते हैं, सुना है बहुत अच्छा टैबलो होता है। तो मैं फर्स्ट टाइम वहाँ की सर्विस अटेंड करूँगी और आप लोग को भी दिखाऊंगी टैबलो। तो बस अभी मैं रेडी होने लगी हूँ, केल्विन तो सो रहे हैं, इस वक्त 1:15 बज रहा है। पहले मैं थोड़ा सा रेडी होना स्टार्ट करती हूँ, फिर थोड़ी देर बाद केल्विन को भी उठाऊंगी ताकि हम लोग टाइम पे चर्च पहुँच जाएँ, बहुत दूर जाना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं यहाँ से हमारा व्लॉग, ये है ईस्टर व्लॉग। इस व्लॉग के लास्ट तक मेरे साथ रहिएगा। ये देखें रूम में कितना अंधेरा है क्योंकि केल्विन सो रहे हैं, तो पहले मैं रेडी होना स्टार्ट होती हूँ, उसके बाद फिर केल्विन को भी उठाती हूँ। जी गाइस, सो वी आर रेडी, और हमने पहना है आज ब्लैक एंड मैरून। केल्विन ने तो ब्लैक पहना है और मैंने पहना है ब्लैक एंड मैरून। अभी फुल लुक भी दिखाऊंगी, बस जल्दी जल्दी से रेडी हो गए। जल्दी जल्दी से क्या, मैं तो बहुत ज़्यादा जल्दी हो गई थी, मुझे लगा कि 3 बजे का चर्च है, लेकिन 3 बजे का नहीं है। अभी केल्विन ने बताया 4 बजे की इबादत है, तो मैं 2:30 बजे ही, बल्कि 2 बजे ही, 2:45 बजे ना, 2:45 बजे ही मैं मेकअप करके रेडी होकर बैठ गई थी और मैं केल्विन को उठाई थी उठ जाए, लेकिन 4 बजे का चर्च है, मुझे नहीं पता था, केल्विन को पता था। तो खैर अभी हम लोग बस निकल रहे हैं और इस वक्त टाइम हो रहा है 3:15। तो आज ईस्टर व्लॉग है, तो इस व्लॉग के लास्ट तक मेरे साथ रहिएगा। चलें चलो जी। बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। थैंक यू। आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो फिर दिखाओ कैमरे में। तो गाइज हम पहुंच गए हैं, लेकिन प्रोसेशन के लिए थोड़ा सा लेट हो गए। 3 बजे का प्रोसेशन था और हम पहुंचे 4 बजे इबादत के टाइम पे, लेकिन टैबलो 15 मिनट्स बाद स्टार्ट हो गया था, तो मैंने उसके क्लिप्स ले लिए थे छोटे छोटे से। ये रही आंटी, मैं ढूंढ रही थी कहाँ है। हेलो, हम जो आप लोग की, बहुत रश है गाइस, बहुत रश है। हैप्पी ईस्टर। हैप्पी ईस्टर। हैप्पी ईस्टर। हैप्पी ईस्टर। हैप्पी ईस्टर। सो गाइस, चर्च ओवर हो गया है, सर्विस हो गई है और टैबलो भी बहुत अच्छा था और हमने बहुत मजा किया, एंजॉय किया। तो अभी हम लोग जा रहे हैं आंटी के घर पे चाय शाय पीने, नाश्ता वाश्ता करने। आंटी कह रही हमारे साथ चलो, तो आंटी के घर पे चाय पियेंगे, नाश्ता करेंगे, उसके बाद जाएंगे हम अपने घर। ठीक है गाइस, सुबह हो गई है और देखें चर्च कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा डेकोरेट किया है लाइट से। सुबह के 6 बजे। एनी हैप्पी ईस्टर। से हैप्पी ईस्टर से लाउडली जोर से बोलो। हैप्पी ईस्टर। आ गए हम घर पे। एजू मॉर्निंग। मॉर्निंग एजू। एजू मॉर्निंग। मॉर्निंग मॉर्निंग।
घर पे एंटर होते ही कह रहे मॉर्निंग। ये जेल की बोतल न्यू है, सील है, आप इसको खोल के दिखाओ। मैं खोल के दिखाऊं? नहीं, ठीक है। अभी अभी खोल के दे दे। अभी तो खोल लेगा। अभी नहीं, औजार नहीं यूज कर। क्यों? अभी तो ही करोगे। नहीं, ये क्या कर रहा है? ऐसे खोलना था आपने? यार ये कितनी शलाक औरत। ये देखो, इधर करो। ये चीटिंग करने वाली थी और चीटिंग करके जीतने वाली थी मुझसे, और ये ना अभी ने भांडा फोड़ दिया नाइफ के साथ। हद हो गई। और उसको मना कर रही है कि ऐसे नहीं खोल। आप सो गए थे गई नींद में। ये चाय ले लो। थैंक यू। चले गाइस, नाश्ता वाश्ता कर लिया है, अब चले हम घर पे। अपने सवारी हमारी चली है। तो अभी हम जा रहे हैं घर। वो पीछे केल्विन पता नहीं क्यों हंस रहे हैं, आई डोंट नो। ओके आंटी, बहुत मजा आया। okay, 8 बज गए। नहीं, क्या टाइम हो रहा है? 8:30। 8:30 हो गए। अभी घर जाएंगे और उसके बाद सो जाएंगे, फिर शाम में जो भी प्लान होगा वो आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है ना? ओके अंकल। ओके ओके, बाय बाय। बाय बाय, सी यू। ये भी व्लॉग ही बन रहा है। चले जी, ओके फिर, बाय बाय। सो गाइस, आ गए हम घर और 9:45 हो रहे हैं। 9:45 नहीं बल्कि मेरे ख्याल से 9 बज गए। बहुत नींद आ रही है। ब्रेकफास्ट तो आंटी के घर ही कर लिया, बस अभी कपड़े चेंज करेंगे और सो जाएंगे, ठीक है ना? नींद आ रही है? बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। तो गाइस, बस अभी हम लोग कपड़े चेंज करके सोने लगे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए। ये देखें, मुझे ईस्टर वाले दिन पिंपल हुआ है। इतने दिनों से नहीं था, ईस्टर वाले दिन पिंपल हो गया। तो मैं सोचूं इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर दूं या इसी व्लॉग को कंटिन्यू करूं, शाम को भी दिखाऊं, समझ नहीं आ रहा कुछ। लेकिन अभी आप इस व्लॉग को एंड नहीं करें, एक चीज़ आपके लिए, और आपको पता नहीं था क्या, मैंने कहा चलो व्लॉग एंड करने से पहले मैं आपको दूंगा। क्या? तो ये मेरी तरफ से आपको हैप्पी ईस्टर। ईस्टर। तो आप तो कह रहे थे कि हमारे लिए बचा ही नहीं था। बस मैंने देखो तो इसको मैंने छुपा के रख दिया था। हम लोग को ये 4-5 ईस्टर एग्स लाए थे सबको देने के लिए। तो मैंने केल्विन को कहा था हमारा का है, तो केल्विन ने कहा कि वो हमारे लिए बचा ही नहीं। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, क्योंकि केल्विन इसके बजाय ये लेकर आ गए थे। ये देखें, ये मैं अभी आपको खोल के दिखाती हूँ। ये छोटे छोटे से एग्स हैं चॉकलेट के, मैं दिखाती हूँ। होल्ड, ये देखें। और वो बनी का है, बनी। तो केल्विन इस तरीके से लेकर आ गए थे, तो केल्विन ने कहा कि ईस्टर एग तो खत्म हो गया, तो ये मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो मैं इसी में खुश हो गई थी। हैप्पी ईस्टर। नहीं, मैं अभी नहीं खाऊंगी, मेरे को ऊपर बोलने में मुश्किल होगी। तो अभी हम खोलते हैं ईस्टर एग, जो कि मुझे मिला है मेरे हस्बैंड से। तो मैं अभी इसको ओपन करती हूँ। आंटी को मैंने दिया, आंटी ने बहुत तारीफ की। आंटी ने कहा बहुत अच्छा है, उन्होंने खोल के खा भी लिया, और मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे लिए भी आया। तो अब मैं भी इसको खोलती हूँ, ठीक है? आप मेरी वीडियो बनाओ। सो गाइस, अभी बिजी जो है वो ईस्टर एग ओपन कर रही है, तो देखते हैं हम भी। वाह, नाइस। इसको तोड़ो। क्या है इसके अंदर? चॉकलेट्स हैं। थैंक यू। अच्छा गाइस, ये भी चॉकलेट है। प्योर चॉकलेट, बहुत लश, बहुत अच्छा है। तो इसमें ये बंटीज हैं, नाइस ना? और चॉकलेट्स हैं, ये भी चॉकलेट है ना?
ये कितनी छोटी सी है, ये कैंडीज हैं, ये भी चॉकलेट है, क्यूट। सबसे अच्छा ये प्योर चॉकलेट है, नाइस। और मैं एक चीज़ और दिखाती हूँ, ये देखें, ये जो कैल्विन लाए ना, ये देखें, ये डिफरेंट डिफरेंट, ये देखें डक, डिफरेंट शेप्स हैं। ये है डक, ये है बनी, और एग। थैंक यू वेलकम। और चॉकलेट्स तो सारी लड़कियों की फेवरेट होती हैं, और मेरे पास तो इतनी सारी अब चॉकलेट्स हो गई हैं। सो गाइज, कैसा लगा आप लोगों को हमारा आज का दिन? और अगर आप लोगों को आज का दिन हमारा ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और मेरी तरफ से तमाम मेरे क्रिश्चियन कम्युनिटी को हैप्पी ईस्टर। जनाब कह रहे थे मैंने एंड करना है, तो मैंने कहा करो एंड। सो गाइज, आई होप आपने आज का ब्लॉग इन्जॉय किया होगा। हमारा दिन बहुत अच्छा रहा, अभी तो स्टार्टिंग है, अभी दिन की शुरुआत है, अभी तो पूरा दिन बाकी है। अभी हम लोग चाय पियेंगे, आंटी के घर से तो पूरा नाश्ता करके आए, पेट पूजा करके आए, लेकिन अपने घर पे आके चाय पीने का अपना ही मजा है। तो खैर, अभी हम चाय पियेंगे, कपड़े वपड़े चेंज करके फिर सो जाएंगे, फिर शाम को हमारा क्या प्लान है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और हमारी तरफ से सारी क्रिश्चियन कम्युनिटी को अ वेरी हैप्पी ईस्टर। सो खुदा आप सबको बहुत बरकत दे और आप सबकी फैमिलीज को बहुत बरकत दे। हमने बहुत इन्जॉय किया, आई होप आप लोगों ने भी अपनी फैमिली के साथ बहुत इन्जॉय किया होगा। सो गाइस, अभी हम आ गए हैं मामा के घर पे, और अभी हम यहाँ पे करेंगे लंच, उसके बाद जाएंगे लियोन के घर पे। तो मामा ने क्या बनाया भाई आपने आज? बिरयानी बनाई है। तो आज मामा ने बनाई है बिरयानी। अच्छा, ये केल्विन की ना बहन का बेटा है, हेलो करो। तो ये बच्चे वगैरह भी आए हुए हैं, तो अभी हम खाना वाना खाएंगे। भूख भी बहुत जोरों शोर से लग रही है, तो अभी हम बिरयानी पे टूटेंगे। केल्विन को तो बहुत भूख लग रही है। बेहतरीन बनाई। तो गाइस, हमने खाना वाना खा लिया है, बिरयानी बहुत ज्यादा टेस्टी थी, थैंक यू। बहुत टेस्टी बिरयानी थी, बहुत मजा आया। तो अभी हम चले हैं अपने घर, और आप देख रहे हैं कि ये बंदा पीछे कट रहा है, ये रहा। ये कटे कटाए बंदे, ये कभी भी नहीं आते व्लॉग में, इनका सिर्फ पेट आता है। तो पेट से अब सबको समझ आ जाती है कि केल्विन है। तो बस अभी हमने खाना वाना खा लिया, तो अभी हम जा रहे हैं, फिर दोबारा से मुलाकात होगी, ठीक है मामा? ओके, खाना बहुत अच्छा था। और ये भी जो है केल्विन की बहन की बेटी है, हेलो करो। ये तुम क्या लाए? आपके लिए। केल्विन कह रहे हैं कि गजरे पहन लो, तो इसलिए फिर मैं पहन रही हूँ। कह रहे हैं गजरे पहन के ऊपर चलो, गजरे की दुकान पे रुक के कह रहे हैं आइसक्रीम लेनी है। वही मैंने सोचा यहाँ पे कौन सी आइसक्रीम है। मैंने कहा तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो, तो अच्छा थैंक यू जी, थैंक यू। पहुँच गए हैं लियोन के घर पे गजरे पहन के। हेलो, हेलो, हैप्पी ईस्टर, हैप्पी ईस्टर। इतनी एक्साइटमेंट, हैप्पी ईस्टर, हैप्पी ईस्टर। ये क्या पहन कर आई हैं? ये मैं गजरे पहन के आई हूँ, ये आपके फुप्पा ने मुझे गजरे दिलाए हैं। हेलो, हैप्पी ईस्टर, हैप्पी ईस्टर। और कैसी है? ठीक, बिल्कुल, बहुत प्यारा लग रहा है सूट। थैंक यू। सो गाइज, आप लोग मामा लॉयड जैनी को देख के हैरान हो रहे होंगे कि ये लोग अचानक से कराची कहाँ, इनका तो कोई प्लान नहीं था ईस्टर का ना। मैंने आप लोग के साथ कुछ शेयर किया था ऐसा, लेकिन गुड फ्राइडे वाले दिन मेरे कज़न की हस्बैंड की डेथ हो गई थी, मेरे ब्रदर इन लॉ की डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से एमरजेंसी में मामा लोग को आना पड़ा था। गुड फ्राइडे वाले दिन ही ये लोग रात में पहुँच गए थे, लेकिन उस वक्त मैंने शेयर नहीं किया था, मुझे मुनासिब नहीं लगा था उस वक्त ये शेयर करना, तो आज मैं आप लोग को बता रही हूँ। तो बस ईस्टर हमारा ऐसा ही सादा सादा सा गुजरा था, उसके बाद ये लोग ईस्टर मंडे को वापस चले गए थे हैदराबाद। खा लिया पेट भर गया? फुल डन। सो ये आते आते हमने आइसक्रीम ले ली थी सबके लिए, मैंने सोचा चलो खाने के बाद सब आइसक्रीम खाएंगे, तो ये ममला आंटी सबके लिए आइसक्रीम निकाल रही हैं। मैंने तो इतनी नहीं खाई थी, मैंने थोड़ी सी खाई थी, लेकिन बहुत टेस्टी थी। खा के बताओ कैसी है? कैसे? अच्छा, कुछ
लाई थी आप लोग के लिए। ये लो, ये आपके लिए। थैंक यू। ये आपके लिए। थैंक यू। ईस्टर एग है। ये जैकू तो सो गया है। सुबह खोलना, वैसे मैंने अपने व्लॉग में दिखा दिया है। जी गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे मैं अचानक लियोन के घर से अपने घर पे कैसे आ गई। एक्चुअली मैं रात को जब शूट कर रही थी तो मेरी बैटरी डेड हो गई थी मोबाइल की, मोबाइल ऑफ हो गया था। फिर जब मैंने चार्ज पे लगा के मोबाइल ऑन किया है तो लियोन लोग के घर की लाइट चली गई थी, इसलिए वहाँ पे व्लॉग बन ही नहीं पाया ज़्यादा। फिर हम लोग भी चाय वाय पी के अपने घर आ गए थे रात में, उसके बाद फिर हम लोग सो गए थे। बस अभी थोड़ी देर पहले ही उठे हैं, ब्रेकफास्ट किया है अभी हम लोगों ने, और केल्विन अभी अपने किसी काम से बाहर गए हैं। मैं पी रही हूँ चाय, तो मैंने सोचा मैं यहीं पर अपना व्लॉग एंड कर देती हूँ। बस कल का पूरा दिन बहुत ज़्यादा बिजी था, तो जो कुछ भी था पूरा दिन मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। सो आज का हमारा प्लान ये है कि आज हम जाएंगे केल्विन के भाई भाभी के घर उनका ईस्टर एग देने। उनको भी मैंने देना है ईस्टर एग, लेकिन वहाँ का मैं व्लॉग नहीं बना पाऊंगी क्योंकि मेरे मोबाइल में बिल्कुल भी जगह नहीं है, मेमोरी पूरी फुल है। तो मैंने सोचा मैं आपको ऐसे ही बता दूं। तो आज हमारा वहाँ का प्लान है, और उसके बाद जो मैं आपके साथ व्लॉग शेयर करूंगी उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, तो उसके लिए आपको वेट करना है। सो मैं इस व्लॉग को यहाँ पे एंड कर रही हूँ। ऐसा हमारा गुजरा ईस्टर, आई होप आपने मेरा व्लॉग एंजॉय किया होगा। सो अगर आपने एंजॉय किया है देन प्लीज डू लाइक, कमेंट बिलो, हिट द बेल आइकन बटन एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलूंगी आपसे बहुत जल्द एक न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हम सबको अपनी दुआ में याद रखें। बाय बाय।